हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है क्या, जरा बताइएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, वॉइस क्लियर है क्या, जरा बताइए। गुड इवनिंग राहुल जी, के आर बाम्बू जी, हेवेन जी, गुड इवनिंग सभी को। जयदीप जी गुड इवनिंग, अल्पेश जी गुड इवनिंग, रजन जी गुड इवनिंग, रघु जी गुड इवनिंग, वेद जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं। टेन डिस्क वाले क्वेश्चन में 63.63% आएगा। क्वेश्चन वापस पुट अप कर दो, क्या था, दोबारा सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अगेन वी आर सॉल्विंग द गेटगो प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन 6 जैन 2021, सिर्फ सेकंड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम इसके तीन पार्ट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कवर कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 से आज हम आगे मूव करेंगे, जिसमें इफ यू नो द आंसर द एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट, और अगर नहीं जानते तो सीखने की कोशिश करिएगा। हमारा टारगेट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ बताया जा सके, सो दैट आपको जो है अपकमिंग एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उन सब में आप आंसर क्लियरली और ढंग से दे पाए। सो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सर्किट से रिलेटेड है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर, एक रजिस्टर है हमारे पास R2 रजिस्टर, उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप पता करना। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2, R3, इसमें आपको देखना है कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता करते। इसमें से जो करंट I फ्लो होगी रेजिस्टेंस में, I इंटू R का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वही हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको जो है क्या निकालना है, इस सर्किट में करंट निकालनी है। रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, V इक्वल टू IR हो जाएगा। रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू रखनी है, R2 की वैल्यू हमारे पास 40 है, और करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज 40 I। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है करंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताइएगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी पहले ये बता दो, और उसके बाद वेरी इजी क्वेश्चन है, बस सिंपली लूप लगाना है। लूप की डायरेक्शन आपको दी हुई है, वो लूप लगाइए, सॉल्व करिए, टाइम ले लीजिए 10-15 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम ले लीजिए, लेकिन इसको सॉल्व करके बताइए। आप नए हैं, डेली लाइव क्लास का टाइम क्या रहता है? डेली लाइव क्लास यूट्यूब पे रहती है, फ्रीली अवेलेबल है, और 4:30 PM कभी 4 PM रहता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए जरा। यहां पे लूप लगाइए ना, लूप की इक्वेशन क्या आएगी, 24 प्लस माइनस, इधर की साइड हमें लगाना है ना, 24 माइनस रेजिस्टेंस है 20 इंटू आई प्लस माइनस, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेकंड साइन लेते हैं, माइनस 40 इंटू आई माइनस प्लस माइनस 10 आई, सेकेंड साइन हमारे पास इधर माइनस 12, फिर और आगे बढ़ते हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस 50 आई और इक्वल टू जीरो, लूप कंप्लीट हो गया। तो आई वाली टर्म जितनी भी है वो अलग कर दो, 12 इक्वल टू 20 प्लस 40 60, 60 70, 70 और 120 आई, ये हो जाएगा 120 आई, आई इक्वल टू आ जाएगा 12 बाई 120, सो दैट 1 बाई हमारे पास 10 आ जाएगा, 0.1 एम्पियर करंट आएगी, ये करंट आ गई है ना। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो और उसमें से जाने वाली करंट से मल्टीप्लाई करो, तो 40 इंटू आई दैट इज द 40, हमारे पास आई है ना, हमारे पास 0.1 एम्पियर आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 वोल्ट आंसर आएगा, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, 4 वोल्ट सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, है ना, इसका मतलब ये पूछा है कि हमारे पास दो टाइप के विंड टर्बाइन होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है, एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है। नॉट ए टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, इसका मतलब पूछा है कि कौन सा टर्बाइन जो है, विंड टर्बाइन जो है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है ना, हाई स्पीड प्रोपेलर टाइप विंड मशीन, मल्टीब्लेड वाटर पंपिंग विंड मिल्स, डेरियस विंड मिल्स या डच विंड मिल, विच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करके बताइए। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब क्या है, हमारे पास डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। जनरली इंडिया में जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन का यूज किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है, वर्टिकल एक्सिस मतलब ये इसका अक्ष जो है हमारे पास वर्टिकली, और यहाँ पर जो एक्सिस है वो किस तरह से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। विंड ब्लेड इसमें जो है हमारे पास इस तरह से लगी हुई है, इसमें हमारे पास जो है विंड ब्लेड जो है वो वर्टिकली लगी हुई है, लेकिन उसका एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टली है, तो ये हॉट है, इसको बोलते हैं HAWT, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, इसको बोलते हैं वॉट, दैट इज वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है जनरली हमारे पास जो है तीन टाइप का होता है, पहले वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का टाइप देख लेते हैं, डेरियस टर्बाइन, गिरोवेल टर्बाइन, 7S टर्बाइन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन वो तीन टाइप के होते हैं, मल्टीपेल ब्लेड सेल और प्रोपेलर, ये तीन टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो है प्रोपेलर दिया हुआ है, मल्टीप्लेट दिया हुआ है, सेल हमारे पास डच विंड ब्लेड मिल रहता है, और कुल मिला के बात ये हमें जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन देखना था, दैट इज द डेरियस विंड मिल, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सोलर एनर्जी, है ना, कौन सा ट्रू नहीं है, इट इज अ डायल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अवेलेबिलिटी, इट्स अवेलेबिलिटी इज डाइअर्नल, इट्स हार्नेसिंग एट लार्ज स्केल इज वेरी इजी, एंड अवेलेबिलिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अनसर्टेन, विच विल बी द राइट नॉट ट्रू, है ना, ये बताना है नॉट ट्रू कौन सा, तीन स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट जो है हमारे पास नॉट ट्रू है, ये बताना आपको क्या रहेगा करेक्ट। यस प्लीज बताइए,
क्या होगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। लार्ज स्केल पे इसकी हार्नेसिंग नहीं हो सकती है ना, इसने भले इजी लिखा है लेकिन हार्नेसिंग जो है वो लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ सोलर एनर्जी। बहुत बड़ी, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक छोटा सा थर्मल पावर प्लांट 135 मेगावाट का, 150 मेगावाट का बन जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लैंड एरिया हमें बहुत या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एरिया बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और बड़े एरिया में 10 मेगावाट 20 मेगावाट इतना पावर जनरेट कर पाता है। मोर एट हाई लार्ज स्केल जो है वो पावर हार्नेस करना इजी नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज अ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये जो है रेगुलर कंडीशन में यूज नहीं होती है, अगर डे टाइम में यूज किया गया फिर नाइट को यूज नहीं होता है, वेरिएबल फॉर्म में है ना। इट इज डाइअर्नल, डाइअर्नल मतलब केवल दिन में यूज होती है, इसका मतलब ये होता है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अनइंस्टेंट, बहुत सही बात है। अनिश्चितता होती है, दिन के टाइम अवेलेबल हो सकती है, रात के टाइम नहीं हो सकती। दिन के टाइम में भी फैक्टर डिपेंड करते हैं कि सोलर रेज जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर बारिश का मौसम है तो फिर नहीं हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी। सो हमारे पास जो है ए बी डी हमारे पास ट्रू है और सी ऑप्शन नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट इन ए पैनल बोर्ड, थर्मल ओवरलोड रिले, आइसोलेटिंग स्विच, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, टाइम डिले रिले, विच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करके बताइए। थर्मल ओवरलोड रिले नहीं यूज करेंगे, सी ऑप्शन क्यों बोल रही हूँ, एमसीबी यूज करेंगे। फिर थर्मल ओवरलोड रिले कहाँ यूज करते हैं, कमेंट करके बताओ। अगर सी ऑप्शन बोल रहे हैं तो थर्मल ओवरलोड रिले कहाँ यूज करेंगे बताओ। सी ऑप्शन बोल रहे हैं सभी, देखो जरा प्लीज। थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट करती है, थर्मल मीन्स हीटिंग, सो ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ हमारे पास जो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करती है, यही सेम लिखा हुआ है। लेकिन ओवर हीटिंग होगी कब, जब ओवरलोड होगा, ओवरलोड होगा तभी तो ओवर हीटिंग होगी। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या हमारे पास? अगर रेटेड करंट से ज्यादा फ्लो होगी तो रेटेड से ज्यादा हाई स्क्वायर आर लॉस होंगे, लॉस होंगे तो हीट होगी, हीट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर थर्मल ओवरलोड रिले जो है ऑपरेट कर सकती है, आइसोलेटिंग स्विच नहीं, ये तो हमारे पास जो है ओपन करने के काम आता है सर्किट ब्रेकर, टाइम डिले रिले, एमसीबी को भी यूज किया जाता है ओवरलोड कंडीशन में या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, दोनों में यूज किया जाता है इसको। टाइम डिले रिले जो है वेरियस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो ए ऑप्शन और सी में से किसको सेलेक्ट किया जाए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है। एक्चुअली दोनों ही लगभग लगभग वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है पैनल बोर्ड में, पैनल बोर्ड में थर्मल ओवरलोड रिले नहीं होती, एमसीबी होती है। आप घर के बाहर अपना जो पैनल बोर्ड है उसमें भी देखिएगा, एमसीबी लगी रहती है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमसीबी के कई एडवांटेज होते हैं थर्मल ओवरलोड रिले के कंपैरिजन में, उन्हीं एडवांटेज के कारण उसको यूज किया जाता है। थर्मल एमसीबी जो है वो फ्यूज के कंपैरिजन में मोर सेंसिटिव होती है, इजीली जो है डिटेक्ट कर सकती है फॉल्ट को, रीयूजेबल होती है, मेंटेनेंस लेस होती है, और अगर आपके पास जो है कोई फॉल्ट कंडीशन आ जाए तो फ्यूज में वायर को बदलना पड़ता है, इसमें जो है केवल नॉब को स्विच ऑन करना पड़ता है, ये सारी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ वी डिस्चार्ज 6 kWh, ये एनर्जी डिस्चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम ए सोलर बैटरी विद ए कैपेसिटी ऑफ 8 kWh, द बैटरीज डेप्थ ऑफ चार्ज विल बी 25%, 75%, 100%, 50%, विच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करके बताइए।
डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, डीओडी बोलते हैं इसको, डीओडी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है जो रेटेड कैपेसिटी है उससे डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, डिस्चार्ज लेवल को। डिस्चार्ज लेवल को हम जो है इससे डिवाइड करते हैं। तो डिस्चार्ज लेवल हमारे पास कितना है, 6 किलोवाट आवर, और कैपेसिटी कितनी है, 8, 6 बाई 8, दैट इज द 3/4.75, 75% हमारे पास इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रहेगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सीधी सी बात है, 8 किलोवाट की बैटरी, 1 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसमें से 6 किलोवाट आवर आपने डिस्चार्ज कर लिया, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना हो गया सर, 75% जो आपने डिस्चार्ज कर लिया। इसका बहुत कम कॉमन सेंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। इफ ए लाइटनिंग स्ट्रोक, व्हेन ए लाइटनिंग स्ट्रोक करंट ऑफ 10 किलो एम्पियर, कितना 10 किलो एम्पियर, स्ट्राइक्स ए लाइन ऑफ 400 ओम सर्ज इम्पिडेंस, व्हाट इज द आवर वोल्टेज पोस्ड बाई पोस्ट व्हेन ए डायरेक्ट स्ट्रोक अकर्स ओवर द टॉप ऑफ एन अनशील्डेड ट्रांसमिशन लाइन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन है वो शील्डेड नहीं है, और ये दो टावर है हमारे पास, उन दोनों टावर का इस तरह से हमारे पास डायग्राम हम बना देते हैं रफली। ये टावर है हमारे पास। अब इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ ऊपर की तरफ एक अर्थ वायर होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, है ना। यहां से मान लीजिए डायरेक्ट लाइटनिंग फॉल हो रही है इस तरह से, यही बोला गया है। यहाँ पे करंट कितनी है, 10 किलो एम्पियर, यही बोला गया है लाइटनिंग स्ट्रोक की करंट। और लाइन का जो सर्ज इंपिडेंस है वो कितना है, वो हमारे पास जो है 400। तो सर्ज इम्पिडेंस तो क्या इधर 200 ओम होगा, इधर भी 200 ओम होगा क्या, ऐसा होगा क्या सर्ज इम्पिडेंस, और इधर करंट आधी आधी हो जाएगी क्या, 5 किलो एम्पियर 5 किलो एम्पियर इधर चली जाएगी। इसमें से क्या करेक्ट है मुझे कमेंट करके बताओ, और फिर वो करंट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी ग्राउंड की तरफ, और फिर जो है हम यहाँ पर वोल्टेज लेवल चेक करेंगे तो 5 किलो एम्पियर × 200 ओम आएगा क्या, ऐसा आंसर आएगा, या फिर 5 किलो एम्पियर × 400 ओम आएगा, या फिर 10 किलो एम्पियर × 400 ओम आएगा। अल्टीमेटली आपको आंसर देना है, मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी है क्या क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। यस प्लीज, क्या करेक्ट आंसर होगा। टेन किलो एम्पियर इंटू 400, फोर थाउजेंड किलोवाट, सभी यही बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए क्या। सबसे पहली बात, सर्ज इंपेडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ लाइन, तो 200 ओम कुछ नहीं होगा भाई साहब, बहुत सिंपल है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, ये हमारे पास हो गया। या फिर जेड नॉट को जो है, इफ वी एज्यूम दैट की रेजिस्टेंस लेस है, तो ये जो रेशियो होता है अंडर रूट जे ओमेगा एल, जे ओमेगा सी ऐसा रहता है, तो जे ओमेगा से जो ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है अंडर रूट एल बाई सी, वो भी जो है लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड नहीं करता, उसको कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बोल दो। अल्टीमेटली इधर भी 400 ओम ही होगा, इधर भी 400 ओम होगा, है ना, दोनों साइड 400 ओम होगा,
वोल्टेज को विद रेस्पेक्ट टू इस पॉइंट से मेजर करना है। यहाँ पे वोल्टमीटर का एक टर्मिनल रखोगे, भाई साहब रियलिटी में वोल्टमीटर का एक टर्मिनल यहाँ रखना मत, वोल्टमीटर लगाया था आपने या आप भी उसके साथ लगे थे ये भी नहीं पता चलेगा, है ना, इतना सा भी कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्रोक में बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो होती है। तो ये जो करंट है, हम वोल्टेज लेवल को हम मेजर करना चाहते हैं इस पॉइंट से ग्राउंड तक, कहाँ तक, वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो करंट जो है इक्वली डिवाइड हो जाती है ना, 10 किलो एम्पियर करंट आई तो 5 किलो एम्पियर इधर चली जाती है, 5 किलो एम्पियर इधर चली जाती है ना। तो 5 किलो एम्पियर इंटू 400 ये कितना हो गया, 2000 किलो वोल्ट। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द सोलर सेल के ऊपर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ ए सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल हैविंग शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी ऑफ जेएस इक्वल टू 46 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओपन सर्किट वोल्टेज इज 725 मिली वोल्ट, फिल फैक्टर इज 0.84, अज्यूम दैट द इरेडिएशन एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन इज 100 मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी एट 28, 61, 40, 33 will be, what will be the right answer? Correct comment करके बताइएगा। हरि वाघेला, इतना सोच रहे हैं, भयंकर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बताइएगा जरा। कभी कोई ऐसे करता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बताइएगा क्या सोच रहे हैं। क्या बात है, 28% कैसे कैलकुलेट किया बताओ। जनरली एज्यूम करते हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली मिड पॉइंट पे ही कंसीडर करते हैं, ऐसा होता है ना, जैसे मैथ में अपन कुछ एजम्पशन लेते हैं और फिर कुछ प्रूव करते हैं। अगर टावर पे आएगा तो टावर पे आएगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ग्राउंड पे चला जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ है, मिड पॉइंट पे आएगा तो दिक्कत है। जेई एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, परफॉर्मेंस देखते रहेंगे, आपके आंसर देखते रहो, मैं बता दूंगा एट द लास्ट ऑफ क्लास, आंसर देते रहो, फिर मेरे को पूछ लो कि जेई एग्जाम क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आंसर जरूर दो, इसीलिए भी बोल रहे हैं आपको। अरे इसका आंसर बताओ, देखिए जरा इसका जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास रहता है, जैसे फिल फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, जेएससी आई वीएससी अपॉन जे मैक्सिमम पावर पॉइंट और वी मैक्सिमम पावर पॉइंट, ये इसका रेशियो रहता है। ठीक है, करंट की टर्म में भी ले सकते हो, है ना, करंट की टर्म में भी लिख सकते हो वीएससी इंटू आईएससी अपॉन वी मैक्सिमम पॉइंट और आई मैक्सिमम पॉइंट, ये रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी ले सकते हो, करंट की फॉर्म में या करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, ये फिल फैक्टर रहता है। अब हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है पी मैक्सिमम अपॉन इरेडिएशन इनपुट लेवल आई इन, पी मैक्सिमम जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, जे मैक्सिमम और इंटू जे मैक्सिमम पावर पॉइंट वी मैक्सिमम पावर पॉइंट और इरेडिएशन लेवल आई इनपुट, ये है। अब रियलिटी में जी मैक्सिमम पावर पॉइंट और आई मैक्सिमम सॉरी वी मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है वो नहीं दिया हुआ है, हमारे पास जेएससी वीएससी की वैल्यू दी हुई है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जेएससी इंटू वीएससी इक्वल टू रहेगा आपके पास फिल फैक्टर, या फिर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे जेएमपी और जे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रहेगी, जेएम पावर पीक पॉइंट पावर पॉइंट
और VM पावर पॉइंट मैक्सिमम पावर पॉइंट JSC VSC अपॉन फिल फैक्टर, ये अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, ये बनेगा ये हमारे पास फिल फैक्टर मल्टीप्लाई में आएगा क्या, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देखिए जरा, फिल फैक्टर किसका रेशियो होगा, फिल फैक्टर उल्टा लिख दिया क्या हमने, फिल फैक्टर उल्टा लिख दिया है, ये हमारे पास फिल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ जे एम पीक पावर पॉइंट वी एम पावर पीक पावर पॉइंट JSC VSC, ये है ना, ये हमारे पास या VOC, ये इसका रेशियो है, ठीक है, उल्टा लिख दिया, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए हमारे पास जे एम पीक पावर पॉइंट फिल फैक्टर इंटू JSC और VOC अपॉन आई इनपुट, ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है, अब हमें एग्जैक्टली एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल गया, सारा डेटा दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करके बताओ, बस यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, ये सारा डेटा रखें हम, तो हमारे पास JSC कितना दिया हुआ है 46 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46 मिली एम्पियर मतलब 0.046 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद फिल फैक्टर हमें दिया हुआ है VOC 725 मिली वोल्ट, दैट मीन्स आप लिख सकते हो उसको 0.725 वोल्ट, उसके बाद हमारे पास और क्या दिया हुआ है JSC दिया हुआ है ये हमने लिख दिया, और हमारे पास जो है इरेडिएशन फिल फैक्टर 0.48 दिया हुआ है, और इरेडिएशन लेवल जो दिया हुआ है IN वो दिया हुआ है 100 मिलीवाट, मिलीवाट मतलब 10^-3 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप देखिए तो बताइए जरा प्लीज, यहाँ पर जो है एफिशिएंसी क्या आएगी, ये फॉर्मूला यूज करिए लास्ट वाला, कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट आंसर आएगा, सॉल्व करिए जरा प्लीज, यस प्लीज क्या आंसर आएगा, अरे इसको सॉल्व कर लो ना, डेटा दिया हुआ है, ऐसे क्या कर रहे हो, क्या डेटा दिया हुआ है, फिल फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है कितना 0.84 JSC हमारे पास दिया हुआ है 0.046 और ये हमारे पास दिया हुआ VOC 0.725 अपॉन IN 100 × 10^-3 मिलीवाट पर वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब की वैल्यू रख दो, सिंपल सी बात है, 0.84 × 0.046 × 0.725 0.08 0.028 0.014 upon 0.1 ये आ जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 28.014% 28.014% ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द सेंसिटिविटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म या रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिलेज, सेंसिटिविटी टेस्ट टू चेक वेदर द रिले विल ऑपरेट एट सेट करंट, स्टेबिलिटी टेस्ट टू चेक वेदर द रिले विल बी स्टेबल एट फॉल्ट आउटसाइड द प्रोटेक्शन जोन, विच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करके आपको बताना है, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू,
और वन ओनली टू ओनली विच विल बी द राइट आंसर कमेंट करके बताओ जरा प्लीज। बताइए जरा देखो जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास, दो टाइप के, दो नहीं वैसे तो बहुत सारे टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम डिफरेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले के। यहाँ पर दो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंसिटिविटी का मतलब सेंस करना, ठीक है, सेंस क्या करना, सेट करंट पे या सेट वोल्टेज लेवल पे या सेट जो भी पैरामीटर है उस पर वो ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, ये बस इतना ही सेंस करना है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेक्ट है हमारे पास, है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, स्टेबल का मतलब ये कि उसको भाई साहब जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया दिया वो अपने जोन में, प्रोटेक्टेड जोन में क्या ढंग से काम कर रहा है, स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा है, ये भी करेक्ट है। तो बोथ वन एंड टू ए विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा हमारे पास दो तीन टेस्ट और रहते हैं, उसमें हमारे पास आप सभी जानते हैं वैसे तो जैसे नाम है वैसे ही आप जो है इसके काम है, पोलैरिटी टेस्ट, मतलब सीटी की जो है टेस्ट वेरीफाई करता है कि आपने जो है प्रॉपर रिले को जो है प्रॉपर फॉल्ट डायरेक्शन में, फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन में जो है कनेक्शन कर दिए हैं क्या, ये इंश्योर करता है। बर्डन टेस्ट, मतलब बर्डन क्या होता है, वोल्ट एम्पीयर रेटिंग सेकेंडरी साइड पे या फिर इम्पीडेंस जो है सेकेंडरी साइड पे, तो वो हमारे पास इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए कि एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, मेंटेनिंग एक्यूरेट ऑपरेशन हो। टाइम डिले टेस्टिंग, इफ द रिले हैज टाइम आवर करंट कैरेक्टरिस्टिक, दिस टाइम वेरीफाइज द टाइम डिले सेटिंग फॉर डिफरेंट फॉल्ट करंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट फॉल्ट करंट लेवल, ये हमारे पास दिया हुआ है। तीन टाइप की टेस्टिंग एडिशनल हम करते हैं, ठीक है, ये रेगुलर करते हैं। स्काडा के बारे में बताइएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है हमारे पास। ए स्काडा सिस्टम विल ओनली मॉनिटर एंड नेवर मेक चेंजेस टू द ऑपरेशन, केवल मॉनिटर करेगा भाई साहब, कोई चेंजेस नहीं करेगा, कंप्यूटर पे बैठे बैठे देखते रहो, अगर फॉल्ट आ रहा है तो आने दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ने दो। कुल मिला के बात यह है हम जो है स्काडा सिस्टम से क्या बैठे बैठे देखते रहेंगे। स्काडा सिस्टम फिर लगाया किस लिए, स्काडा सिस्टम इज ओपन टू मेनी इनपुट एंड आउटपुट, फॉर दैट रीजन स्काडा सिस्टम कांट बी कॉन्फिगर्ड फॉर सिक्योर एक्सेस, विच विल बी द राइट आंसर, बोथ वन एंड टू, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ फॉल्स, विच विल बी द राइट आंसर कमेंट करके बताइए। सेशन को लाइक करिएगा प्लीज, सेशन को लाइक करिएगा। कहने की जरूरत कभी नहीं होनी चाहिए, अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो आप बिना बोले लाइक कर दिया करो सेशन को, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। सी स्काडा, देखो ये तो मैंने क्लियरली बता दिया, स्काडा सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा तो मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे ना, सुपरवाइजिंग कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, डेटा को एक्वायर करो, सुपरवाइज करते रहो और फिर जो है उसका कंट्रोल करो। कंट्रोल करना मतलब ऑपरेशन को जो है हम उसमें जो रिक्वायर्ड है मेक चेंजेस करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ जो इसमें मेनी इनपुट आउटपुट होते हैं वो सही बात है, लेकिन सिक्योर एक्सेस इसमें रहता है, ऐसा नहीं हो। एक्चुअली में क्या होता है, एक थर्मल पावर प्लांट है,
या किसी भी पावर प्लांट है उसका कंट्रोल रूम आप कभी गए हैं क्या? कंट्रोल रूम में देखना बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है और लोग बैठे बैठे बस डेटा ही देखते रहते हैं। अरे वो डेटा जो होता है रिमोट एरियाज में जो मोटर्स लगी हुई है या जितने भी डिवाइसेस लगी हुई है उन सबका मेजरमेंट होता है जो रिमोट एक्सेस से हम RTU के थ्रू मेजर करके मास्टर टर्मिनल यूनिट को देते हैं और मास्टर टर्मिनल यूनिट से HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस आपके PC में शो करता है और इसका जो सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क करता है। अगर मान लीजिए यहां से बैठे बैठे चाइना के जो हैकर्स है या पाकिस्तान के हैकर्स जो है वो बैठे बैठे हमारे पास जो है राजस्थान का कोटा थर्मल पावर प्लांट है या फिर आपके गुजरात में कोई पावर प्लांट है तो उस पावर प्लांट को जो है हैक करके स्काडा सिस्टम को जो है पूरी तरह सारी मोटरों को जो है इम्प्रॉपर सिग्नल देके पूरे प्लांट को जो है बंद कर सकते हैं। बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। तो ये सारा सिस्टम जो रहता है स्काडा से कंट्रोल करते हैं। ये सारा सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। कांट भी सिक्योर का क्या मतलब है? सिक्योर तो होना चाहिए, फायरवॉल प्रोटेक्शन होना चाहिए। आपके पास बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। जनरली द बस इंपीडेंस मैट्रिक्स इज ए फुल यूनिट फुल स्पेयर मैट्रिक्स एंड द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स इज ए स्पेयर्स नल यूनिट मैट्रिक्स, विच विल बी द राइट आंसर कमेंट करके बताइए। कमेंट करो सर जल्दी। अरे गलत हो गया तो जयदीप जी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नोट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं उन सबको नोट करता हूँ मन में और आई विल सजेस्ट, मतलब 4-5 दिन देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका वीक एरिया क्या है। जेड बस मैट्रिक्स जो होती है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स जो होती है, एक्चुअली क्या होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है दो टाइप की। एक तो हमारे पास फॉल्ट एनालिसिस करना पड़ता है, और एक हमारे पास जो है लोड फ्लो एनालिसिस करना पड़ता है। पावर सिस्टम में हम कई टाइप के एनालिसिस करते हैं। लोड फ्लो एनालिसिस का मतलब वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंगल, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एट ईच बस इन द पावर सिस्टम। फॉल्ट एनालिसिस का मतलब असिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाए, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाए, उन सभी कंडीशन में लाइन का बिहेवियर कैसा रहेगा, उस बिहेवियर से बचने के लिए, डैमेज से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रिले किस नेचर की लगानी पड़ेगी, क्या वो सिस्टम जो है प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब देखा जाता है। तो फॉल्ट एनालिसिस में, एक्चुअल में कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है, तो जेड बस मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जेड बस मैट्रिक्स जो होती है फुल मैट्रिक्स होती है। लोड फ्लो एनालिसिस में कैलकुलेशन जो बहुत ही टेडियस होती है उसे बचने के लिए न्यूटन रैफसन मेथड वगैरह इन सब में हम रिक्वायरमेंट ये डालते हैं कि जो हमारे पास जो है बस मैट्रिक्स बने उसका जो है एलिमेंट्स जो है वो कम से कम हो। स्पेयर्स मैट्रिक्स होती है ना, स्पेयर्स मैट्रिक्स मतलब इसमें 90% जो है वो हमारे पास एलिमेंट जो है उनका वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। तो ये फुल मैट्रिक्स होती है जेड बस, ये बोला गया है ये फुल मैट्रिक्स है और ये स्पेयर्स मैट्रिक्स है ना। सो बी विल बी द राइट आंसर। एंड बीच में हमारे पास यहां पर एक बहुत ही भावपूर्ण मैसेज है। एक्चुअली मैं स्टूडेंट से नहीं कहना चाहता था लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक माँ है पूनम जांगे, इसका इनके जो बेटे हैं नाम जो रहेगा वो हमारे पास जो है अर्जुन जांगिड़ है और इनका जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे ये ग्रस्त है, SMA जैसी एक बीमारी है। उससे बचने के लिए इनके पास जो है बहुत ही कम टाइम बचा है, 17-20 दिन का बचा है और उसमें जो है एक इंजेक्शन या टीका लगता है जिसकी जो राशि रहती है 17.5 करोड़ रुपये है। तो ये इतना बड़ा लक्ष्य है ना जिसमें आप अगर कोई नॉर्मल पर्सन हेल्प करना चाहे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इतना बड़ा लक्ष्य। इसीलिए आप भले 1 रुपया डोनेट करें इसको जरूर करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इसमें अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, एटलीस्ट गुजरात में तो स्टूडेंट्स जो है वो
काफी वेलफेयर के लिए रहते भी हैं, है ना। गुजरात के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग पॉजिटिविटी ही रहती है, इसीलिए केवल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप एक रुपया भी डोनेट करते हैं दैट विल बी रियली ग्रेट हेल्प, लेकिन अपने मन से सच्चे मन से जरूर हेल्प करिएगा, ठीक है, है ना। तो अगर आपकी जितनी पॉसिबिलिटी है आप इनको जरूर हेल्प करिए सो दैट इस बच्चे की जान बच सके। इसमें क्या होता है 24 मंथ की लाइफ तक, मतलब 2 ईयर्स की एज तक ही टीका लगता है, उसके बाद अगर टीका नहीं लगेगा तो शरीर जो है वो डैमेज हो जाता है और फिर जो है डेथ हो जाती है। इसमें इसमें टाइम लिमिट है, इसीलिए जो है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको जरूर हेल्प करिएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। हमारे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव लो और हाई मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, लो और हाई मैग्नेटाइजिंग करंट, बोथ आर इंटर रिलेटेड, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से हमारे पास बनता है। एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ये रेजिस्टेंस आर नॉट, ये JXM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और यहां पर हमारे पास आर नॉट 1, JX नॉट 1, और यहां पर हमारे पास लोड कनेक्टेड होता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो लोड साइड हमारे पास क्या होगा, वोल्टमीटर होगा जो इसके वोल्टेज लेवल को मेजर करेगा। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है। रियलिटी में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमें पूछा गया है ये जो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है ना XM, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और इसमें जो जो करंट जाती है IM उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए लो और हाई के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली आंसर जो है लो और हाई ही होगा, क्योंकि IM की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, IM की वैल्यू होगी हमारे पास V अपॉन रिएक्टेंस, पैरेलल में वोल्टेज भी है, V अपॉन रिएक्टेंस XM। तो एक वैल्यू अगर हाई होगी तो दूसरी वाली क्या होगी, लो होगी। इसी तरह एक लो होगा तो दूसरा हाई होगा, इसका मतलब जो है आंसर जो है ए या सी में से ही होगा। ये क्लियरिटी तो हमें मिल चुकी है, तो आप जो है जरा इसमें देखिएगा कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। यस प्लीज बताइएगा। ए या सी क्या होना चाहिए? देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी भी ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट हाई रहे, कभी नहीं चाहते। मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा लो रहनी चाहिए। मैग्नेटाइजिंग करंट हाई होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे एरर आती है, फेज एंगल एरर आती है, रेशियो एरर आती है, बहुत दिक्कत होती है ना। एरर हम चाहते क्यों है, हमारे पास एरर होनी नहीं चाहिए, ये फेज एंगल एरर खत्म होनी चाहिए, ये सब मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही आती है। जनरली हम क्या चाहते हैं, I1 जो है वो I2 डैश के बराबर रहे, लेकिन I1 जो है वो समेशन हो जाता है I0 का। I1 इज द प्राइमरी करंट, इज द समेशन ऑफ फेजर समेशन ऑफ I0 प्लस I2 डैश। अगर मैं I0 को जीरो कर दूं किसी तरीके से तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2 डैश के बराबर हो जाएगा, फिर हमारी रिक्वायरमेंट फुल रह जाएगी और फेज एंगल एरर रेशियो एरर नहीं आएगी। लेकिन I0 है क्या, I0 इज द नो लोड करंट, इट इज द फेजर सम ऑफ वाटफुल करंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, वाटफुल करंट इज वेरी लेस। अब बचा कौन सा, नो लोड करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो कम हो जाए तो फिर इसका झंझट ही खत्म हो जाए, इसीलिए जो है मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लो रखते हैं और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हाई होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी, लो होगी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। लोड कंपनसेशन, लोड कंपनसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ विच पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, AC और DC पावर सिस्टम। लोड कंपनसेशन का मतलब क्या है ये बताइएगा और उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट करते हैं।
यस प्लीज कमेंट करिएगा। ऑब्वियसली लोड कंपनसेशन में हम क्या करते हैं, लोड के नेचर को कंपनसेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज लोड मतलब हमारे पास लोड साइड में एक्चुअली लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जनरली हमारे पास क्या होता है, जितने भी रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्री है, सभी में मोटर्स यूज होती है। मोटर्स में क्या होगा, वाइंडिंग होगा। वाइंडिंग होगा कैसा नेचर होगा, इंडक्टिव नेचर होगा। इंडक्टिव नेचर है तो पावर फैक्टर कैसा रहेगा, लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से रिएक्टिव पावर जो होगी कंज्यूम होगी। रिएक्टिव पावर कंज्यूम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कम मिलेगा भाई साहब। इसीलिए लोड को कंपनसेट करना जरूरी है। लोड को कंपनसेट करने के लिए इंडक्टिव नेचर को खत्म करना पड़ेगा, मतलब इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई जो है ना सप्लाई से नहीं लेनी पड़ेगी, यहीं पे जो है एक कैपेसिटर लगा दो जो इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सके, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। लोड कंपनसेशन का मतलब क्या, पावर फैक्टर इंप्रूव। पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ मतलब वोल्टेज ड्रॉप, हमारे पास जो है रिएक्टिव पावर जो है रिक्वायरमेंट वो कम हो गई। रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम हो गया। वोल्टेज ड्रॉप कम होने का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कम हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली कितना होना चाहिए, 0% होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब 100% नहीं है, वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली 0% है। वोल्टेज रेगुलेशन नाम वोल्टेज रेगुलेशन है, इसका मतलब रेगुलेशन 100% का मतलब रेगुलेशन अच्छा होना नहीं होता है। वोल्टेज रेगुलेशन किसी साइंटिस्ट ने एक ने नाम दे दिया तो उसके पीछे सभी चले जा रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन के, भाई साहब रेगुलेट करो 100% होता चाहिए। अरे रेगुलेट नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी आपके सामने नाम आए उसका मतलब आप वोल्टेज ड्रॉप समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बस ये वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए, इससे ये सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं ना, ये सारा लोड कंपनसेशन में हम करते हैं, ठीक है। और कैसे पावर सिस्टम है, एसी पावर सिस्टम है, डीसी पावर सिस्टम में तो हमारे पास ये झंझट ही नहीं रहेगा, पावर फैक्टर करेगा, है ना। तो ये सब हमें जो देखा जाता है बी विल बी द राइट आंसर। उसी तरह वोल्टेज स्टेबिलिटी भी हम चेक करते हैं, वोल्टेज सपोर्ट भी करते हैं। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करने के लिए हमारे पास संट कंपनसेशन, सीरीज कंपनसेशन, सिंक्रोनस कंडेंसेटर, स्टैटिक वीआर कंपनसेटर, एसवीसी स्टैटिक कंपनसेटर है, और हमारे पास स्टेटकॉम है, स्टैटिक में ही आएंगे हमारे पास, और अल्टीमेटली आपके पास आईपीएफसी यूपीएफसी ये भी है। तो ये सारे मेथड जो है आपके एग्जाम के सिलेबस में है, और आपके जो एग्जाम का देखना आप जो है सिलेबस उसमें लिखा हुआ है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड को अच्छे से डिस्कस करना है और जितना हो सके इनको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम से केवल इसी टॉपिक से बनेंगे। और एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द नोट्स फॉर दिस, और जो ऐप की लाइव क्लास होगी इसमें इन सारे टॉपिक्स को जो है बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, और भी हम जो अदर टॉपिक है उस पर काम कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। व्हाट वी डू द ऑपरेटिंग पोलैरिटी, ऑपरेटिंग पोलैरिटी ऑफ द कंडक्टर इन होमोपोलर एचवीडीसी स्कीम व्हिच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली एक इस पेपर को देख के मुझे ऐसा लगा कि जिस भी स्टूडेंट का, जो हमारा स्टूडेंट था, वो इस पेपर में अगर गलती से बैठा है ना, उसका 100% सिलेक्शन हुआ होगा। गलती से क्या, किस्मत से उसका 100%, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग हम प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं, एज वेल एज इम्पोर्टेंट क्लासेस में भी आपको बताया, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ये जो इस शिफ्ट वाला है, सिक्स जिन शिफ्ट सेकंड। बाकी सारी शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन इस शिफ्ट में सारे क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली मैच करते हैं। व्हाट वुड बी द ऑपरेटिंग पोलैरिटी ऑफ द कंडक्टर इन होमोपोलर एचवीडीसी स्कीम, वन विद नेगेटिव एंड ऑल अदर रिमेनिंग आर पॉजिटिव पोलैरिटी। ऑल कंडक्टर आर ऑपरेटेड विद नेगेटिव पोलैरिटी, ऑल कंडक्टर आर ऑपरेटेड विद पॉजिटिव पोलैरिटी, वन विद पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द कंडक्टर आर विद नेगेटिव पोलैरिटी, व्हिच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करें। सिंक्रोनस मोटर, हाँ सिंक्रोनस मोटर आती है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है उसको बहुत हाई कैपेसिटी पे सिंक्रोनस कंडेंसर को लगभग 500 केवीए से केवीआर से ऊपर की कंडीशन में यूज करते हैं। फैक्टर निकालो सिंपली, ज्योमेट्रिकल मीडियन जीएमआर निकालो, जीएमआर लगाओ निकालो, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। ओवल शेप और हमारे पास सर्कुलर शेप कैसा होगा, ये आप देखो ओवल शेप कैसा होता है, मैं एक डायग्राम ले लेता हूं।
इस क्वेश्चन की लास्ट में याद दिलाना, फिर हम डिस्कस करेंगे। ऑल सेव ऐसा होता है हमारे पास, एक मिनट। ये ओवल शेप रहता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देख लो, इस क्वेश्चन में होमोपोलर के बारे में देखा है। होमोपोलर का मतलब एक ही टाइप की पोलरिटी। जनरली हमारे पास तीन टाइप के एचवीडीसी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये हमारे पास मोनोपोलर दिया हुआ है। होमोपोलर मतलब एक जैसी, मोनोपोलर मतलब केवल एक ही, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव पोलरिटी होती है मोनोपोलर में, और दूसरा जो है ग्राउंड ऐसे रिटर्न काम करता है, ये मोनोपोलर लिंक है। बाईपोलर मतलब दोनों टाइप की पोलरिटी, पॉजिटिव पोलरिटी भी होगी और नेगेटिव पोलरिटी भी होगी, ठीक है। हमारे पास ये पॉजिटिव पोलरिटी भी है और नेगेटिव पोलरिटी भी है, ठीक है। और होमोपोलर मतलब एक जैसी पोलरिटी, दोनों वायर में एक जैसी पोलरिटी होगी। जनरली जो है हम नेगेटिव पोलरिटी ही प्रिफर करते हैं, ठीक है। अगर किसी को मालूम है कि नेगेटिव पोलरिटी हम क्यों प्रिफर करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव पोलरिटी है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यही हमारे पास होमोपोलर का आंसर रहेगा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल द कंडक्टर्स आर ऑपरेटेड विद नेगेटिव पोलरिटीज, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स आर नॉट इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस, करेक्ट बताना है ना, क्या नॉट इम्यून होता है या इम्यून होता है। एमओसीटी मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट बाय मींस ऑफ सीबेक इफेक्ट। ओवीटी ऑप्टिकल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर मेजर्स द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बाय मींस ऑफ ओकेल्स इफेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। सारे करेक्ट है क्या, कमेंट करके बताइएगा। प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन कैसे होंगे, डिस्कस करेंगे एट द लास्ट सेशन के लास्ट में। जब मैं बोलता हूं आपको कोई डाउट है तब पूछो, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। देखो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, ये एमओसीटी जो है ना ये वर्क करता है मैग्नेटो, हम कई कई प्रीवियस शिफ्ट में इस क्वेश्चन को ले चुके हैं ना। फैराडे इफेक्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप नए हैं तो प्रीवियस सेशन को देखिएगा, उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है फैराडे इफेक्ट। ये फैराडे इफेक्ट पे काम नहीं करता, ये पॉकेट्स इफेक्ट पे काम करता है। ये हमारे पास जो है करेक्ट है, ये जो है नॉट इम्यून नहीं होता है, इम्यून होता है। ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, और ये भी इनकरेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट हो गया, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। वी विल डिस्कस ऑल अदर क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट टर्म। आईपीएफसी इंटर लाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, इंटर लाइन है ना, दो लाइन के बीच में पावर फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना। सीरीज कंपनसेशन डिवाइड, कंबाइंड सीरीज सीरीज कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन डिवाइड, कंबाइंड सीरीज शंट कंपनसेशन डिवाइड, विच विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो रहता है कंबाइंड सीरीज सीरीज कंपनसेशन रहता है। आईपीएफसी जो है जनरली हम सीरीज सीरीज कंपनसेशन में यूज करते हैं। इस तरह के कन्वर्टर्स होते हैं, उनको जो है हम इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करके, है ना, जनरली हमारे पास यहाँ जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब कनेक्शन इस तरह से होता है ना, ये पैरेलल में कनेक्ट करना है तो मतलब एक कनेक्शन यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, इस तरह से होगा, दो लाइन से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ये सारे। ये सारे जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जितने भी हाई वोल्टेज की लाइन है उतने n नंबर ऑफ, हमारे पास हाई वोल्टेज की लाइन है तो n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर होंगे, वो एक ऑप्टिकल लिंक से कनेक्टेड होते हैं और कंट्रोल रूम में उसको भेजा जाता है, सो कंट्रोल किया जाता है। अल्टीमेटली ये जो ऑप्टिकल फाइबर में भी हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा कम्युनिकेशन जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। तो ये जो है सीरीज सीरीज कंपनसेशन डिवाइड है, जितने भी एन नंबर ऑफ हाई वोल्टेज लाइन होगी एन नंबर ऑफ आपको जो है सीरीज कंपनसेशन डिवाइसेस देखने को मिलेगी, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। सो इट इज द एंड ऑफ टुडे सेशन, वी विल मीट ऑन टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। ओवल शेप और कोरोना, कोरोना लॉस का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या होता है।
241 into 10 raised to minus 5 f plus 25 upon del under root r by d. V phase minus Vc ka whole square. Critical disruptive voltage G naught del MVR ln d by r. ठीक है, ये रहता है. एक्चुअल में अगर मैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का लेवल लो रखता हूं तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा. अब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का जो लेवल लो रहने का मतलब आर की वैल्यू, या फिर आर जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस है ना. तो अगर हम जो है एक सर्कुलर शेप की ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस लेंगे और एक ओवल शेप की ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस लेंगे, तो हमारे पास कम जो ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस निकलेगी ओवल शेप की निकलेगी. ठीक है, यहां पर है ना. फिर जो है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इसका कम होगा, उस केस में जो है हमारे पास जो है क्रिटिकल पावर लॉस जो है वो हमारे पास ज्यादा देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ओवल शेप. ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, ओवल शेप में आपको जो है ज्यादा पावर लॉस देखने को मिलेगा. ठीक है, सबसे कम जो है हमारे पास सर्कुलर में होता है, इसीलिए तो जो है आपने कभी भी देखा है सर्कुलर शेप के कंडक्टर है, नहीं तो सारे जो है ओवल शेप के कंडक्टर होते हैं. पगला थोड़ी गए जो हम जो ओवल शेप के कंडक्टर नहीं यूज कर रहे, सर्कुलर में कम होता है इसीलिए उसी को यूज कर रहे हैं. और कोई क्वेश्चन है तो बताओ. नहीं, सारे पेपर को देखोगे उससे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि हम भरत जी किसी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझाते, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाते. बट क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए टू द पॉइंट गाइडेंस होना बहुत जरूरी होता है. एक्चुअली मैं इसीलिए कभी भी ये नहीं बोलता, किसी स्टूडेंट को हम ऐसा नहीं बोलते आओ क्लास ज्वाइन करो. ठीक है, आपकी इच्छा है, इफ यू फील कि दैट वी आर डिलीवरिंग बेस्ट आवर बेस्ट, देन यू विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन दैट क्लास. ठीक है, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको, लेकिन क्लास ज्वाइन करना चाहिए. उसका एक मेन रीजन ये है कि एक सिस्टमेटिकली सिलेबस वाइज हमें पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस मिल जाता है. एक्चुअली क्या होता है, अथा सागर है, हम जो है अलग अलग ऑल इंडिया ईजीई पेपर सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास जो अच्छे पेपर आते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं. महाराष्ट्र के अच्छे पेपर है, राजस्थान के अच्छे पेपर है, यूजीवीसीएल एमजीवीसीएल डीजीवीसीएल इन सब के पेपर हमने गुजरात के सारे सॉल्व कर रखे हैं, और भी हमारे पास उत्तराखंड के यूपीपीसीएल है वगैरह ये भी हमने सॉल्व कर रखे हैं, पंजाब वाले सॉल्व कर रखे हैं. जो भी अच्छा पेपर हमें मिलता है हम सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं. बट वो पेपर सॉल्व किए जाते हैं केवल आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपने किए हैं उनको, उनमें जो वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन उसके लिए पहले ये गाइडेंस तो होना चाहिए कि क्या हम किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट जो है हम जो हमारा जो सिलेबस है उसमें पहले कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए. V3 V1 1 plus 3k plus k square, हाँ इससे कर लो. क्वेश्चन नंबर 9 को इससे भी कर सकते हो, हाँ ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर कनेक्शन कैसे होते हैं, ये मैंने कल ही तो बताया था, कल परसों के सेशन में बताया, बार बार क्यों पूछ रहे हैं, या तो आप जो है ध्यान नहीं दे रहे. प्राइमरी ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना होता है, 11 केवी पे जनरेशन होता है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना होता है ना. 400 केवी की लाइन है मान लो, 440 केवी की लाइन है, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ लेके जाना है. ठीक है, तो हमारे पास जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं. स्टेप अप में हमें वोल्टेज बढ़ाना है, जिधर हाई वोल्टेज साइड होती है उधर जो है स्टार साइड होती है, और जिधर लो वोल्टेज साइड होती है उधर डेल्टा साइड डेल्टा टाइप होती है, तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगाएंगे. ये स्टेप अप हो गया, अप हो गया. जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे जो है हम डाउन करते हैं, डाउन करते हैं ना. जीएसएस में, जीएसएस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीएसएस में हो रहा है, तो जीएसएस में हाई वोल्टेज इधर है लो वोल्टेज इधर है, तो हाई वोल्टेज साइड स्टार है और लो वोल्टेज साइड डेल्टा है. ठीक है, जीएसएस तक भी चलेगा. जब हमारे पास घर के कनेक्शन के पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद, डीबी जो होती है वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें ये सारा कंसेप्ट फेल हो जाता है. उसमें ये ध्यान रखना चाहता है 11 केवी का वोल्टेज है उसको 400 केवी में चेंज करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है ना 400 वोल्ट में चेंज करते हैं 11 केवी को, हाई वोल्टेज इधर हो गया लो वोल्टेज इधर हो गया. तो होना तो क्या चाहिए कंसेप्ट के हिसाब से, इधर स्टार होना चाहिए इधर डेल्टा होना चाहिए. लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास इधर साइड पे रेजिडेंशियल के लिए हमेशा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इधर जबरदस्ती स्टार रखना पड़ता है इधर डेल्टा रखना पड़ता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज द डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर विद न्यूट्रल.
ठीक है, ये तो रहता है। और एक डेल्टा होना कंपलसरी है, उसके बहुत सारे रीजन है, मैंने आपको कल भी परसों भी पूछा था क्या रीजन है, कमेंट करके बताइएगा। सो इट इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। प्रैक्टिकली होते हैं क्या ये कनेक्शन? हाँ सॉल्व कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले से 63.63 आ रहा है तो सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। कैसे क्रैक किया था आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो स्ट्रगल के दिन आज याद आते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत। दिल्ली में रहते थे, आजकल तो आपको फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। हम दिल्ली में रहते थे, कोचिंग जाना होता था, खुद ही खाना बनाते थे, क्योंकि दिल्ली में बिहार के पर्सन जो है वो मैस चलाते हैं और वो खाना हमें सही नहीं लगता था। अगर खाना आपका सही नहीं होगा, भोजन आपका सही नहीं होगा, तो फिर जो है आपकी हेल्थ इश्यू आएंगे, हेल्थ इश्यू आएंगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो खाना भी हम खुद ही बनाते थे, ऐसी कंडीशन थी कि सुबह की जो सब्जी थी वही शाम को हम यूज करते थे, उसी को एक बार बना देते थे। इतना टाइम नहीं होता था, इतना टाइम नहीं है कि हम खाना बना पाए, लेकिन हम बनाते खुद ही थे। तो दो रूममेट थे, एक दोनों रूममेट में एक जना रोटी बना लेता था, एक जना सब्जी बना लेता था, और फिर आधे घंटे में टारगेट होता था, आधे घंटे में बना करके खा के बर्तन धो के वापस बैठ जाना, सिर्फ आधे घंटे का टाइम, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, 16-16 घंटे पढ़ना, उसमें फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन जो भी है किसी के सामने हाथ नहीं फैलानी, ठीक है। कोई आपको मन से सपोर्ट करे, ठीक है, तो कोई आपकी कंडीशन समझे तो आपको जरूर हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मेहनत खुद करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रोते हुए बैठे रहो कि कुछ नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरी मैं ही ऐसा क्यों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर करे आपकी सारी कंडीशन अच्छी हो फाइनेंशियल, लेकिन बहुत सारा पैरामीटर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि एक बात बताते हैं, हमारे यहाँ रेगिस्तान में एक कहावत है, हम बाड़मेर से प्रॉपरली हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ, तो कहावत क्या है कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है और साथ ही साथ यहाँ से जो है बहुत अभाव से लोग जिंदगी जीते हैं, है ना, खेती भी बहुत कम होती है। लेकिन आजकल जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो नहर भी आ गई है, खेती भी अच्छी हो गई है ना। तो आपने नहीं सुना होगा कि जितने भी मारवाड़ी है, मारवाड़ी गुजरात में जो बस चुके हैं वो मारवाड़ी है, वो इस रेगिस्तान एरिया से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो अभाव की जिंदगी देख चुके हैं, और जो अभाव की जिंदगी देख चुका है ना वो स्ट्रगल भी अच्छे से करता है, और स्ट्रगल ऐसा करता है कि वो पूरी दुनिया में छा जाता है, है ना। आपने देखे होंगे मारवाड़ी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सारे मारवाड़ी, क्या कारण है? बिकॉज अभाव, अभाव से जिए हुए हैं, क्योंकि किसी चीज में अभाव से जो लोग जीते हैं ना वो करते भी बड़ा काम, ठीक है, बड़ा काम करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम क्या है कैसे हैं, ठीक है, बट मेहनत करते हुए रहना है, मेहनत से कभी नहीं घबराना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 3-4 महीने का एग्जाम है, 4-5 महीने का एग्जाम है, ढंग से मेहनत कर लो, जी तोड़ मेहनत करो, सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत करो। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो है सिंपली ऐसे बैठे रहो, मैं कह रहा हूँ आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो है सही गाइडेंस मिलेगा 100%, है ना। हम ऐसा भी नहीं है कि किसी स्टूडेंट को लूटपाट के, आप देखा होगा वेरियस कोचिंग्स में बहुत ज्यादा फीस होती है, हमारे पास गूगल का टैक्स, गूगल ने जो पॉलिसी चेंज की वो 30% टैक्स लेता है, फिर भी हम मन मार के जो है 5,000 से ज्यादा प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मन मार के नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी गरीब का हक जो है उससे छीने। 5,000 तक कोई स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, आज के सेशन को एंड करते हैं ना, मुझे जाना होगा, तो इट इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। हाँ, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए आप जरूर ट्राई करिएगा, 1 रुपया भी अगर डोनेट कर पाए दैट विल बी वेरी ग्रेट हेल्प, क्योंकि जो है मेरी तरफ से जो हेल्प है वो मैं कर चुका, लेकिन जितने सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, ट्राई टू हेल्प दिस फॉर दिस, जो है QR कोड है या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको जरूर हेल्प कीजिए, जिससे आपकी मदद की वजह से एक बच्चे को जो है नई जिंदगी मिल सके। बस इतना ही, टिल देन थैंक यू सो मच,
जो एक माँ के लिए बड़ी विकट स्थिति होती है कि बच्चे के लिए जो है उसकी जिंदगी के लिए एक बचाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करना बड़ी विकट स्थिति है, स्वाभिमान को अलग रख के मांगना पड़ता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।